कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में अतीक अहमद की एंट्री हो गई है। दरअसल कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में इमरान प्रतापगढ़ी का नाम डाल दिया। इस लिस्ट के बाहर आते ही बीजेपी ने कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के लिस्ट पर सवाल उठा दिए। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने माफिया अतीक अहमद को अपना गुरु मानने वाले और हिंदू विरोधी विवादास्पद बयान देने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को अपने स्टार प्रचारकों के लिस्ट में शामिल करके अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अब खबर है कि कांग्रेस में इस बात का मंथन चल रहा है कि क्या इमरान को स्टार प्रचारक बनाकर पार्टी ने गलती कर दी। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्टेट यूनिट सब कुछ खुद अपने कंट्रोल में रखकर चुनावी रणनीति तय कर रही है। मुद्दों से लेकर टिकट वितरण तक में स्टेट यूनिट का ही फीडबैक अहम रहा है और कांग्रेस पूरे चुनाव को हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर लोकल मुद्दों के जरिए ही लड़ रही है। लेकिन स्टेट यूनिट की इतनी रणनीतियों के बावजूद पार्टी नेतृत्व की लिस्ट में जैसे ही इमरान प्रतापगढ़ी का नाम आया तो स्टेट यूनिट चकित रह गई और आग में घी डालने का काम किया बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया। बीजेपी ने इमरान पर यह आरोप लगाकर हमला बोला कि उत्तर प्रदेश में इमरान गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद के करीबी रहे हैं। अब बीजेपी से गुंडा राज से जोड़कर कांग्रेस के वोट अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। वहीं राजनीति के जानकारों की माने तो इमरान का किसी भी तरह का प्रभाव कर्नाटक में नहीं पड़ेगा, पर स्टेट यूनिट नाराज दिख रही है क्योंकि उससे बिना पूछे लिस्ट तय होकर आ गई और अब स्टेट यूनिट को इस बात का डर है कि कहीं पीएम मोदी और सीएम योगी चुनाव प्रचार में अतीक और इमरान की नजदीकियों को मुद्दा न बना दें। जानकारी तो ये भी सामने आ रही है कि अब स्टेट यूनिट ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह किया है कि नेतृत्व इमरान प्रतापगढ़ी की कोई रैली न कराए। लेकिन क्या नेतृत्व स्टेट यूनिट की इन बातों पर ध्यान देगा या नहीं, ये तो तब पता चलेगा जब कांग्रेस की रैलियों में इमरान प्रतापगढ़ी दिखेंगे या फिर नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।